नमस्कार। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने केएल राहुल को टेस्ट उपकप्तानी से हटा दिया है। सिलेक्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान किया है, जिसमें केएल राहुल उपकप्तान नहीं होंगे। टेस्ट टीम की उपकप्तानी से हटाए जाने के बाद अब तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत के नए टेस्ट उपकप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन तीन खिलाड़ियों पर। टीम इंडिया के युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल। 23 साल के शुभमन गिल अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल की जगह शुभमन गिल रोहित शर्मा के साथ टेस्ट ओपनर की भूमिका निभा सकते हैं और साथ ही उपकप्तानी भी कर सकते हैं। ऐसे में शुभमन गिल को ओपनिंग के साथ भारत के टेस्ट उपकप्तान की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। ऋषभ पंत। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भारत का अगला टेस्ट उपकप्तान बनाया जा सकता है। 25 साल के ऋषभ पंत युवा हैं और लंबे समय तक भारत की टेस्ट उपकप्तानी संभाल सकते हैं। भले ही ऋषभ पंत T20 और वनडे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए हों, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं। श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अभी तक 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 49.23 की बेहतरीन बल्लेबाजी औसत से 640 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। टीम इंडिया की टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी भारत के अगले टेस्ट उपकप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। 28 साल के श्रेयस अय्यर अब भारत की टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए टेस्ट में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हैं और उनका खेल के इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड भी अच्छा है। अगर श्रेयस अय्यर भारत के अगले टेस्ट उपकप्तान बनाए जाते हैं तो टीम को इससे बहुत फायदा होगा।